एक बीबी जो अक्सर डेरे आउंदी सी, एक दिन संतां वास्ते लंगर तैयार करन लगी। मन विच विचार आया कि होर भी लोग डेरे लंगर लै के आउंदे। बाबा जी बड़े प्यार नाल छकदे हन ते असीसां दिंदे हन। मैं भी लंगर पका के ले आवां, मैनू भी संतां दीआं खुशियां मिलणगीआं। उन्हें दाल फुलका नाल मिठे चौल बनाए। उहदा पति सवेरे सवेरे हल लैके खेतां वल गया होया सी। उसका शाह वेला लैके बाहर जाना सी। उस बीबी का एक बच्चा 4-5 साल का सी। जदों बच्चे ने मिठे चौल वेखे तां जिद करन लग पिया, मैं मिठे चौल खाने हन बीबी दए ना। कहे पहला बाबा जी भोग लगाउणगे फिर किसे नूं देने हन, फिर बाकी सारे खाणगे। बच्चा रो रो कमला हो गया, पर वो बीबी भी अड़ी रही। उहदी सस ने कहा कि डेरे तो वापस आउंदियां काफ़ी टाइम लग जाएगा। मुंडा सवेर दा हल लै के गया है, उहदे लई रोटी बन दे मैं फड़ा आवां। भुखा भाणा खेतां च काम करी जा रहा है। पर वो बीबी दे मन विच शरदा सी। उहने लंगर नूं डब्बियां विच पाया ते डेरे लै आई। किसे दी कोई गल ना सुनी। अंतरजामी बाबा जी बैठे हुए सन। पोथी तों सिख इतिहास की कथा हो रही सी। वो बीबी ने लंगर लिया के संतां अगे रखिया, बेनती की महाराज जी लंगर लिया है संगत लई, दया करो वरताउण की आग्या बख्शो। संतां ने सिर उपर चुकिया, उस वल वेखिया ते एकदम कहन लगे, जदों मैं मंगदा सां उदों तां चौल दिते नहीं, हुण मेरे मगर इत्थे चुकी लियाई है। वो बीबी सोचन लगी, बाबा जी ने कदों मंगे सन ते मैं दिते नहीं। एक ही बचन कीता है बाबा जी कहन लगे, वो बच्चे नूं क्यों इन्ना रवाया ई, घर वाला तेरा बार भुखा भाणा हल वाहुण गया ते तू मेरे वास्ते लंगर चुक लियाई है। चुक अपना लंगर, पहला अपने घर वाले नूं खवा, वो बच्चे नूं दे, फिर इत्थे लै के आई। ये सारे घरों खा के आए ने। वो बीबी ने बड़े तरले मारे पर संत नहीं मन्ने। कहन लगे, अपने पति नूं भुखा छड के इत्थे वेल्यां लई मन्नियां चुक लियाईआं, चल वापस। उन्हूं पहला छका, वह बीबी वापस मुड़ गई। हैरान सी कि अंतरजामी बाबा जी सब कुछ किवें जाणदे। एक बार आप गुरदास नंगल पिंड गए, किसी गरीब लड़की की सहुरिया नाल ठीक तरह नहीं सी बन रही। आप उहदे घर आए, वाढ़ियां दे दिन सन, काफ़ी गर्मी सी। वो सिख आप तां वाढी करन गया होया सी, पर वो लड़की ते उहदी मां घर ही सन। वो सिख नूं बाहर सुनेहा भेजिया कि घर महापुरश आए हन ते आ मामला है। इधर महापुरश घर बैठे हुए सन, सामने एक फुंडर गऊ बजी हुई सी। संतां ने बचन कीता, इहदा दुध चो के लस्सी बनाओ। वो घर वाली सवाणी ने दसिया कि यह दुध नहीं दिंदी, यह फंडर है। संतां कहा, तुसीं थले बैठो तां सही। संगत दा इक सिंग भांडा लैके वह गऊ थले बह गया, धार कढ़न लगा। उस गऊ ने काफ़ी दुध दिता। घर वाले आंढी गुआंढी सब हैरान हो गए। इन्ने चिर नूं सिख भी आ पुजा। महापुरशां दे दर्शन करके निहाल हो गया। जदों उहनूं पता लगा कि फंडर गऊ चोके लस्सी बनाई है, तां उह होर भी हैरान हो गया। धन घुमण पातशाह, तूं सब कारण दे समर्थ है। उहने संतां दे बचन सुने ते अपनी धी नूं चुप चाप सहुरे तोर दिता।
जिस धी नूं महापुरश आप लैण आए हन उह नालों वड्डे भाग होर की हो सकदे हन। धन घुमण पातशाह तेरी काल कमाई धन, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारख भूख कैसी। नव निद नाम निधान ग्रह तेरे, मन बांछै सो लैसी।